चलाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज ये गाड़ी ब्रेक डाउन है। ड्राइवर का कहना है गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है और किसका स्पीड मीटर भी नहीं चल रहा है। तो अभी देखेंगे गाड़ी में कौन कौन सा लाइट लग रहा है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमारा ओपन हो चुका है तो इक्विपमेंट में जाएंगे। ये हमारा रेडी टू कनेक्ट हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा इनलाइन मिनी जो ब्लिंक कर रहा है अभी चालू हो गया है। तो सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, आपको डिस्प्ले पे ही। तो अभी अपने हम मोबाइल पे एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं और फाल कोड पे क्लिक करके देखेंगे कौन कौन से फाल कोड आए हुए हैं। तो थोड़ा समय लेगा, हमारा फाल कोड एनालाइज हो रहा है। तो यहाँ पर फाल कोड जो आ चुका है, तो यहाँ पे जो फाल कोड है 428 है, ये एक्टिव में है और 272 भी एक्टिव में है। तो 428 जो हमारा एक बार काउंट हुआ है और वोल्टेज अब नॉर्मल शॉर्ट टू हाई सोर्स बॉटम फ्यूल इंडिकेटर का, और हमारा 2772 आया हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं तो एक बार काउंटिंग है और डाटा वैलिड बॉर्डर अब नॉर्मल रेटिंग रेंज लेटेस्ट सर्वर लेवल का है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है 241 है, वीकली स्पीड सेंसर का आया हुआ है, वीक पर काउंट हुआ है। डाटा इरेक्टिव इंटरमीडिएट और इनकरेक्ट जो सिग्नल है वो इश्यू तक नहीं पहुँच रहा है। तो क्यों नहीं पहुँच रहा है चेक करेंगे। इसमें बाकी भी 418 फाल कोड आया है, 15 बार काउंट हुआ है और 4947 भी 4 बार आया हुआ है। तो हम जो है एक एक फाल कोड पर काम करेंगे, क्योंकि 3 फाल कोड है तो तीनों को हम फाल कोड पर एक एक काम करेंगे। तो चलते हैं अभी पहले किलोमीटर सेंसर के पास, पहले उसका चेक करेंगे। तो अभी हम किलोमीटर के पास आते हैं और आपको दिखाएंगे किलोमीटर कूलिंग सेंस खोलो क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट। तो हमने सॉकेट खोला दोस्तों, देख सकते हैं इसका पिन जो है टूट गया है। और सेंसर खोलते हैं और सेंसर दिखाते हैं। तो सेंसर का पिन जो एक टूट गया है, इसमें कचड़ा भी कुछ है, ये देख सकते दोस्तों। इसमें जो है कार्बन लग के टूट गया है पिन, इसकी वजह से किलोमीटर सेंस नहीं चल रहा इनका। और तभी हम सॉकेट भी नया डालेंगे और सेंसर भी नया डालेंगे। तो सेंसर जो है मिंडा का 8 पल्स का है, तो हम 8 पल्स का ही डालेंगे। तो हम सेंसर लेके आए हैं। तो ये भी मिंडा का ही है, 8 पल्स का ही है। तो इसका जो सॉकेट है वो पर ओके है सेंसर। और ये सॉकेट हम लेके आए हैं, तो सॉकेट भी हम डालेंगे, क्योंकि ये पिन जो है टूट गया अंदर, वो निकल नहीं रहा है। तो इसका जो कलर कोड वो अलग है, तो भी आपको बताएंगे कैसे बाहर जोड़ने का कैसे नहीं। दोस्तों आपको देख सकते हैं इसमें जो है ये प्लस साइड दिख रहा है और ये माइनस साइड। तो हमारा जो है 24 वोल्ट ये प्लस इसमें आएगा और जो माइनस पॉइंट रहेगा इसमें आएगा 3 नंबर में, और जो सिग्नल का रहता है वो हमारा बीच में रहेगा जिसमें 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट आता है। तो एक बार इसमें हम वोल्टेज भी मेजर करेंगे, पहले सॉकेट लगा लेते हैं। तो हमारा जो 24 वोल्ट वाला है ये लाल कलर में हमारा 24 वोल्ट आता है, तो इस साइड के कपलर में हम जोड़ेंगे, ठीक है।
ये हमारा जो सिग्नल का है जिसमें 5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक आता है, तो ये हमारा जो बीच में रहेगा तो बीच वाला भी जोड़ते हैं इसमें। तो ये हमारा जो है ब्लैक पे येलो कलर का है वो बीच में है, तो हम बीच में जोड़ लेते हैं इसको। तो हमारा ये बीच वाला भी जोड़ गया, तो हमारा लास्ट बचा जो ग्राउंड का उसको भी निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको भी जोड़ लेते हैं। हमने वायर को जोड़ लिया है, तो हमारा जो एक नंबर है इस साइड से, इसमें 24 वोल्ट आता है, बीच में जो है सिग्नल का रहता है, इस साइड हमारा ग्राउंड का रहता है। तो अभी एक बार वोल्टेज हम मेजर कर लेते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को जो है सेट कर लिया है, तो अभी देखते हैं और एक नंबर में लगाते हैं। तो एक नंबर में जो है हमारा 23.33 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, तो वोल्टेज हमारा सही इधर आ रहा है। उसमें लगा बीच वाले में, तो बीच वाले में जो हमारा 5 वोल्ट ये भी सही है, साइड लगा। तो हमारा जो 3 नंबर का उस ग्राउंड का है, तो एक बार कंटिन्यूटी भी लेंगे। तो हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है मीटर, तो अभी लगाते हैं। हमारा जो कंटिन्यूटी प्रॉपर ओके भी है, तो हमारा वैल्यू जो सही है पूरा। तो अभी हम सेंसर को फिट कर लेते हैं। तो हमारा जो है 241 वाला तो काम हो चुका है सेंसर वाला, तो अभी बाकी जो फल कोड आया उस पर चलते हैं, वाटर एंड फ्यूल वाले पे। तो अभी हम फिल्टर के पास आ चुके हैं, तो अभी हम वीडियो को फास्ट रखे हैं, तो अभी जल्दी जो है फिल्टर को ओपन कर लेते हैं खोल के, और देखते हैं हमारे फिल्टर में पानी आया है कि नहीं, और चोक है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। और उसके बाद जो है फिल्टर ख़राब रहेगा तो फिल्टर को हम एक्सचेंज करेंगे और फिल्टर नया डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर जो है चोक हो चुका है, इसमें पानी आया हुआ है, तो अभी हम फिल्टर को वाला फिल्टर हम डालेंगे। इसका प्राइस जो 4,313 रुपये है। कॉलेज को निकालो। लगा सॉकेट लगा, ठीक है पंप मार दें। कि जो फॉल्ट कोड उसको मारा था, नॉक सेंसर का भी आया था, तो एक बार नॉक सेंसर का वोल्टेज चेक करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा घसा दिख रहा है, तो अभी इसको भी खोल के चेक करेंगे।
तो यहाँ देख सकते दोस्तों, यहाँ पे दो वायर जो घसा मिला हुआ है हमको। ये लाल वाला वायर जो है इस पर कट लग गया है, और यहाँ पे जो वायर है पीला वायर भी लगा है इस पर। तो यहाँ पे जो है पीला वायर में माल लगा है और लाल वायर में, तो यहाँ पे दो वायर जो है शॉर्ट हुआ है, इसकी वजह से 2772 फालकोड आएगा। तो इसको टेपिंग करते हैं हम। टाटा से आया है ना भाई। तो इसको भी हम टेपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बार जो टेपिंग हो चुका है, तो इसको पूरा एक बार टेपिंग कर लेंगे हम पूरा अच्छे से। और नॉब सेंसर भी थोड़ा काला दिख रहा है, एक मिनट, नॉब सेंसर थोड़ा काला है, तो इसको भी साफ करेंगे हम। सेंसर का भी हमारा हो गया है, एक बार क्लीन कर लेते हैं इसको। ये सर इसको फिट कर लेते हैं। ये सर ये हमने सेंसर को टाइट कर लिया है, तो ये पट्टी जो ऐसा लगा था इसके वजह से घस रहा था थोड़ा, इसको ऐसा रखेंगे यहाँ पे, इसको तो नहीं मारेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है नॉक सेंसर को फिटिंग कर लिया है, और वापस जो अपनी एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। तो अभी हमारा जो फाल कोड है 241-27-272 जो है एक्टिव में है। तो थोड़ा देर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आगे पीछे लेके, उसके बाद जो है हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो 241 फाल कोड है वो इनएक्टिव में चला जाएगा। तो अभी हम एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम फिर से जो है एक बार फालकोड पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमारा 241 फालकोड है उन्हें टीम में गया कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा 241 फालकोड जो है इन टीम में जा चुका है, और 428 भी हमारा जो है इन टीम में जा चुका है। तो अभी हमारा जो फालकोड बचा है वो 272 ही बचा हुआ है। तो अभी हम फाल कोड को जो है क्लियर करेंगे और देखेंगे 272 जो हमारा फाल कोड है वो जाता है कि नहीं। अगर हमारा 272 फाल कोड जो है डिलीट करने पे नहीं जाएगा, तो हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, या तो फाइल को अपडेट करना पड़ेगा या तो न्यू कैलिब्रेशन फाइल जो है अपडेट करनी पड़ेगी। तो हम फाल कोड को जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे और जो 2772 है वो फाल कोड गया कि नहीं गया। तो हमने जो है 2772 और 2773 के लिए फाइल अपडेट का वीडियो पहले ही डाला हुआ है, आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है फाइल को डिलीट हो चुका है, लगभग 3 सेकंड बाकी है। तो यहाँ पे जो फाइल कोड अभी चाबी ऑन करके ओके करेंगे, और हमारा वापस जो सॉफ्टवेयर रिकनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल कोड है वो चला जा चुका है, क्योंकि जो है वो फाल कोड जो है वायरिंग घसने की वजह से आया होगा, इसके वजह से हमारा फाल कोड जो है जा चुका है। अगर हमारा फाल कोड नहीं जाता तो हमको जो है फाइल को अपडेट करना पड़ता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।